काफ़ी दिनों से जम्मू शहर में पेंशन्स को लेकर काफ़ी असुविधा हो रही थी, जिसमें पेंशन उसी को मिलेगा जिसके पास PHH का राशन कार्ड होगा, प्रायोरिटी हाउस होल्ड। और ये राशन कार्ड लेने के लिए कुछ नियम थे जिनमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, और जिन लोगों की पेंशन्स लगी थी वो बंद हो गई थी। इसमें कई बुज़ुर्ग थे 65-60 से ऊपर, जो अपने अपने बेड्स पे थे और उनका कोई सहारा नहीं था, उनको ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन करने में बहुत दिक्कत थी। दूसरा, हैंडीकैप पर्सन्स हैं, उनको भी डॉक्यूमेंटेशन करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तीसरा, विडोज, कोई बहन अगर विधवा हो जाती है तो उसका अगर मकान भी बना है, पहले वो अच्छे कंडीशन में थी लेकिन वो अनहोनी के कारण अगर उसके घर वाले का देहांत हो जाता है तो उसके पास अब PHH का राशन कार्ड होगा नहीं, तो उसको सोशल सिक्योरिटी के तहत अगर पेंशन किसी ने लगानी है तो वो मुश्किल हो रहा था। इसी प्रकार के अगर कोई अच्छे घर का है लेकिन उसका बेटा बाप की या माँ की सहायता नहीं कर रहा है, लेकिन उसका अपने बेटे के साथ राशन कार्ड में नाम है, वो राशन कार्ड बाइफ्रिकेट नहीं हो रहा था, उसके लिए उनको दिक्कत थी। अब वो किसी को बता नहीं सकते, लेकिन आप इस सिचुएशन को समझिए कि व्यक्ति अच्छे घर का है लेकिन 1,000 रुपये के लिए भी उसको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए माननीय हमारे डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और हमारे सीनियर पार्षद, सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, दो लोग उसमें उपस्थित नहीं हैं, जयदीप शर्मा जी और अनिल कुमार जी, सभी ने मन बनाया कि हम ये पूरा विषय लेकर LG साहब के समक्ष जाएंगे। और मैं धन्यवाद करूंगा LG साहब का, जिन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया। तो उन्होंने कहा कि इसका तो हमें समाधान निकालना ही है, और उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की, और उसी समय उन्होंने निर्देश दिए कि 1-2 दिन के अंदर मुझे ये सारा जो पेंशन्स का ये असमस्या जो समस्याएं आ रही हैं इसको दूर करना पड़ेगा। तो उसी के तहत हम यहाँ आकर जो कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उनसे मिले और उनको कहा कि ये समस्या हैं, और अब ये तय हुआ है कि जितने भी हमारे माननीय पार्षद हैं वो अपने अपने वार्ड्स में जो लोग वाकई ही पेंशन्स के लिए हकदार हैं उनको चिन्हित करेंगे, और उनकी डॉक्यूमेंटेशन का कोई वाया मीडिया निकालते हुए उनको तुरंत पेंशन लगाई जाएगी, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये माननीय पार्षद सभी अपने अपने वार्ड में जाकर उन घरों को चिन्हित करेंगे, और ये सभी प्रपोजल मुझे सबमिट करेंगे और मैं इनको आगे सबमिट करूंगा, और उससे इस समस्या का समाधान होगा और सभी को पेंशन मिलेगी। मैं धन्यवाद करूंगे हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता जी, उन्होंने भी इस पूरी समस्या का समाधान के लिए अपने आप को आगे रखा, और उन्होंने कहा कि हर संभव प्रयास के साथ हम अपनी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मैं अपने डिप्टी मेयर, चेयरमैन और बाकियों का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 3 दिन तक वहां श्रीनगर में मेरे साथ वहां रहे और दुर्गम परिस्थितियों में वहां से प्लान भी किया, क्योंकि रास्ता टूट गया था और हम सभी मुगल रोड से आए। तो एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम सभी लोग जनहित की जितनी भी समस्याएं होंगी उसका हम भरपूर प्रयास करते हुए निदान करेंगे, और हमेशा जनता के लिए
काम करते रहेंगे, हमारा यही प्रयास है और इसी प्रेरणा के साथ हम इस चेयर पर आए हैं।